ये हमारी मिलाई हुई है गाइस। ठंडा पे जैकेट पहन रखी है ना। नहीं कौन सी है, बोरा धर रखा पीछे। तीन दिन से बुक का था हमें इस बिहार की वजह से। और इससे पहले आप गाड़ी कहाँ चलाते थे? बांग्लादेश चला था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो अभी हम आए हुए हैं अपनी मौसी की लड़की की शादी में मेरठ। कल गए हुए थे गांव में, वहां पे व्लॉग शूट नहीं कर पाया। और उसके बाद हम रात अचानक से आ गए थे मेरठ, मैं, कुलदीप भाई और हमारे सिद्धू मूसे वाला भाई। तो अभी हम जो हैं जा रहे हैं, जो कुलदीप भाई है उनके जो दोस्त हैं वो होप हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अच्छा, तो उनका हम पता लेने जा रहे हैं। और अभी हम जो है मेरठ के बाईपास पे हैं और सिद्धू सोलंकी हमारे साथ हैं। आप इन्हें सर्च कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये आपको कहीं भी नजर नहीं आएंगे। वेरी अंडरग्राउंड। हाँ, अंडरग्राउंड बंदे हैं बहुत हमारे। कुलदीप भाई से तो आप शायद पहले व्लॉग में मिले होंगे, जब हम मामा के यहाँ पे गए थे। ट्यूबवेल वाला जो व्लॉग था, आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो। तो वहाँ कुलदीप भाई से आप लास्ट टाइम उस व्लॉग में मिले थे, है ना। और सोलंकी भाई हमारे जो है, इनकी जो लहजा है वो ऐसा है जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं ना, तो सेम टू सेम डिट्टो को पी उनसे भी खतरनाक। अगर ये स्टैंड अप कॉमेडी करे। आपका बड़प्पन है, बहुत अच्छा लगा आपने हमें व्लॉग में लिया। बस आपके लोग हमारे तलाश में ना निकले, बता दिया जाएगा हम कहीं उनको नहीं मिलेंगे। Someone wants to give me their number, they can pin down in the comments. कचहरी पुल के पास में, राइट ले लो। मेरठ कचहरी पुल के पास में हम जा रहे हैं अभी। ये मेट्रो और यहाँ चारों तरफ यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है, आप देख सकते हो। ये बोर्ड सारे उसके लगे हुए हैं। सुविधा भी होती है, सुविधा देने के लिए सुविधा का सामना करना जरूरी होता है। तो भाई अभी हम हॉस्पिटल में आ चुके हैं और बस पता लेके निकलते हैं यहाँ से। अंदर का हम दिखाने के लिए आपको कुछ भी। अभी हम हॉस्पिटल का भाई का पता ले चुके हैं और अभी हम निकल रहे हैं वापस भाई के घर। सिद्धू मूसे वाले के घर जा रहे हैं हम। अभी 3 महीने से भाई ने गाड़ी सीख की है। और इससे पहले आप गाड़ी कहाँ चलाते थे? बांग्लादेश चला था। बांग्लादेश में पोस्टिंग थी मेरी। अच्छा अच्छा। बहुत लंबे समय तक पोस्टिंग रही है, कोई तकरीबन 75 साल लगे हैं तीन जीवन के। तीन जीवन 75 साल बांग्लादेश में ड्राइविंग की है। बॉस मतलब तब ऑटोमेटिक चलाता था ना वहाँ, ज्यादा ऑटोमेटिक चले, अब सिर्फ मैनुअल। भाई हमारा ऐसे बात कर देगा। और ये हकीकत है कि भाई इसने 3 महीने पहले गाड़ी सीखी है। भाई ने बोला कि मैं बांग्लादेश चलाता था पिछले जन्म में। और अभी हम भाई के घर जा रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे अपना कपड़े वपड़े लेने हैं कुछ। मुझे अब देखते हैं अभी हमें क्या मिलेगा क्या नहीं है। शाम का खाना लगाना है, पेट खाली करना है अभी तो। बिल्कुल कड़ भी पाड़ने हैं रात में। तो हम अपना नहाए धोए नहीं अभी, बस सुबह रात आए थे हम 12 बजे। और सुबह अपना उठ के बस थोड़ा सा मुंह धो के अपना नाश्ता वास्ता करके। 3 दिन से भूख का था हमें इस बिहार की वजह से। अरे भाई साहब, मिलता तो है नहीं घर पे ऐसे कुछ खाने का। तो अपना ये था कि भाई बिहार के बहाने अच्छी दावत भी हो जाएगी। शादी आ रही है तो 2-3 दिन पहले फास्ट रखना शुरू। हाँ हाँ, क्योंकि शादी में तोड़ के खाता है। फिर दूध का आइटम बिल्कुल तक भी नहीं छोगे ना? ना ना, चाहे आइसक्रीम भी है ना? ना भाई, बहुत छोले दमालू। दमालू का फैन है? कश्मीरी दमालू। कश्मीरी ना ना, भी गाड़ी काट लेंगे ऐसा। वही जितने की भी निकल रही होगी वो निकाल के नई गाड़ी निकाल लेंगे अभी। नई कौन सी है? बोरा धर रखा पीछे, देखना पैसे रखेगा। दे दियो, बैग उठा दे दो पैसों का। थैली में बांध रखे गांठ मार मार के। भाई कोई चुरा ले गांठ खोलने लग जा पहले तो टाइम तो लगेगा ना। सही बात है। काली पन्नी में रख रखे। काली पन्नी में? काली पन्नी 13 गांठ है पूरी। तो काली पन्नी में पैसे रखे हुए हैं भाई के, और वो भी 13 गांठ के साथ। अशुभ हो गया। टोटका है क्या? कुछ टोटका है। ये बताया कि भाई जो खोलने बैठेगा उस पे बीमारी चल जाएगी। वो पन्नी फाड़ ले दिमाग लगा ले तो बात अलग है, उसकी गांठे लग जाएगी जिंदगी की। भाई के फेवरेट सॉन्ग ये हैं। इसके जो सुनने के म्यूजिक है बिल्कुल धरती से अलग ही है। एक बार स्टाइल दिखाइए अपने वाला। ये गाड़ी भी पलट के दिखा सकते? नहीं नहीं नहीं, वो दिखा। ठंड पे जैकेट पहन रखे ना। लोगों को असल में ठंड ज्यादा लगती है ना कुछ लोगों को, चक्कर वो है। हाँ तो पसीने चूरे सबर दो लोगों को। जल्दबाजी में रहेंगे हम, जल्दबाजी में रहेंगे गुद्दिया पिट जाएंगे, फिर क्या फायदा। रोड रेज इज द फर्स्ट थिंग। भाई अभी हम आ चुके हैं भाई के घर। तो भाई के घर आ चुके हैं, तो थोड़ा सा अपना कान उठा के फिर हो जाते हैं। लेनी है वो पन्नी, देखनी थी कहाँ रहेगी पन्नी। तो ना भूल गया गाड़ी में?
पन्नी कौन सी थी? नोट वाली गांठ मार रखी किसमें? मैं तो भाई हाथ में लगाया उसके, तेने तेरा गांठ लगाई, मैं गलती से कहती खुलना जा मेरे पे उठा उठाने में, तो मैं कहां झेलता फिर मैं। या तो आज टोटके वाली पन्नी वैसे थी तेरी वाली, मारे आज नई गाड़ी आ जाएगी या किसी का कुतारा पूछेगा आराम करने के लिए, और यहाँ बजा जिसने गाने घर थोड़ा सा आराम करने के बाद अब हम सीधा घर चल रहे हैं, और घर चल के अपना तैयार हो या तैयारी करेंगे शाम की शादी की। तो भाई वहाँ से फिनिश होने के बाद हम आ चुके थे घर, और फिलहाल मैं तैयार होने लगा था, और अभी अधूरे कपड़े हैं पूरे नहीं पहने। पलटन यहाँ तैयार हो चुकी है और टाइम हो रहा है 7:30, 7:30 बजने वाले हैं, 5 मिनट है। तो अभी दिखाता हूँ बच्चे कितने तैयार हो चुके हैं। ये जनता पार्टी हमारी, दिखाइयो खड़े होकर दिखाओ, खड़े होकर दिखाओ, इधर आओ। ये सुंदर लग रहा है भाई, दोनों सुंदर लग रहे हो, ठीक है। और निहाल भी हमारा तैयार हो चुका है। निहाल की हाइट, निहाल कितनी होगी हाइट तेरी? 5'9" और उम्र बताइए अपनी? 14 साल। ओ भाई साहब, 14 साल की उम्र में। और ये हमारे क्रिकेटर, स्पेशल क्रिकेट बॉय, आई बटन में लिंक दे दूंगा ऊपर, इसकी वीडियो देख सकते हो आप। अब से कम से कम 2-3 साल पहले बनाई थी हमने, है ना। आज भी ये क्रिकेट में बहुत एक्सपर्ट प्लेयर है हमारा। नाम बताओ सबको अपना। धनंजय राठी। उम्र बताओ अपनी? 8 साल। तो बस अब हम लगभग रेडी हो चुके हैं और यहाँ से निकलेंगे थोड़ी बहुत देर में। तो भाई अभी हम घर से निकल चुके हैं और मोहित भाई हमारे साथ हैं, इनसे आपको मिलाएंगे लाइट में। अंधेरे में आपको गाड़ी में कुछ नहीं दिखेगा। तो अभी हम सारे फ्रेंड इकट्ठे हो गए, 10 मिनट में सब वहीं पहुंच रहे हैं, एक जगह मिलेंगे, वहीं आपको दिखाएंगे कि हमारा पूरा फ्रेंड सर्कल कैसा है। और मोहित भाई भी अभी पीछे से गोवा घूम का है। हेलो कुलदीप भाई की तरफ से आप सभी को हेलो। कुलदीप भाई बहुत बिजी आदमी है, गैंगस्टर आदमी है, हमारे प्रधान जी। और विधायक जी अभी आए नहीं है, चलो विधायक जी से भी मिलवाएंगे। और रूपक भाई नहीं आया अभी, रूपक भाई उनके जस्ट पीछे थे। चलो उड़ानी मुझे। क्या हो गया था, पंगा हो गया कुछ? तो भाई हमारे मामा के, और क्या हाल है रूपक भाई, ठीक ठाक एकदम? क्या हाल है जी? ठीक ठाक। ये भाई अंकित छुड़िया। अच्छा, तालियां तालियां। ये भाई सुमित तोमर, गैंगस्टर। क्या हाल है जी? और भाई बड़े जी, आप सुनाओ जी। 9-10 साल पे चलते हैं, वहाँ मिलते हैं सबसे। सब बैठ के बात करते हैं। ठीक। क्या हाल है विधायक जी? राम राम जी। क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया। ब्लॉग में आओगे आप अब? अच्छा हाँ जी, ठीक है। चलो भाई, भाई ये पहली बार सुना हमने कि गाड़ी किल की मारती है। उस गाड़ी की सीट पे बैठ के दिखाइए, उसके ओनर के अलावा किसी को बैठ। विधायक जी, इसे नवतेज को जो है भरोसा नहीं हो रहा, एक बार बता दियो क्या करते आप? और ये हमारे प्रधान जी हैं, नवनीत भाई। नवनीत नेहवाल। नवनीत नेहवाल। कुछ दोस्तों का इंतजार था, सारे आ चुके हैं लगभग। तो सब गाड़ियों का एक साथ यहाँ से पढ़ के चलेंगे। चलो भाई, मैं और मोहित भाई इस गाड़ी में हैं, और बाकी हमारी टीम की गाड़ी जो है ये रही, और बीच में हमारे विधायक जी हैं। सीन कुछ ऐसा है कि मैं इनके बीच में कोट पहने घूम रहा हूँ, ये सारे के सारे नॉर्मल थे। तो मैं बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि कपड़े शादी के कपड़े शादी में अच्छे लगते हैं। तो इंतजार है बस जाने का, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, 9 बज चुके हैं, 9:30 बज गए क्या? 9:30 बज चुके हैं, सब वहाँ इंतजार कर रहे हैं। तो सबकी वेटिंग के चक्कर में मैं लेट हो गया, बाकी पूरा लुक आपको शादी में पता लगेगा। तो सीधा हम शादी में जा रहे हैं। तो भाई सारे आ चुके हैं, ये हमारे गुरुजी हैं भाई, और मेरठ की जान भी हैं, और गांव के ग्राम प्रधान भी हैं, और जादूगर। और ये हमारे विधायक जी हैं बड़ौद सीट से, और शादी में हम आ चुके हैं, वहाँ पे शादी है। निशान भाई परिवार सहित सब वहीं पे, बस हम वहीं चलेंगे, आरवीर का इंतजार है। तो भाई यहाँ पे हम शादी में आ चुके हैं, और अंदर दूल्हा दुल्हन है। अभी हम फोटो वोटो करा रहे हैं, मुझे भी जाके खड़ा होना है वहीं पे।
भैया हमारे भाई साहब हैं गुजरात वाले। भाई साहब हेलो कर दो। हेलो। हाँ मम्मी जी, फोटो के लिए ऐसी कोई बात नहीं है, अभी हम व्लॉग बनाने में व्यस्त हैं और हमारे निशांत भाई भी आए आज टाइम निकाल के। फोटो कहाँ लोगे? अच्छा अच्छा अच्छा, तो चलो भाई इनके फोटो ले लेता हूँ मैं फिलहाल। अब चलो चलो एक वन बाय वन चलो, लोग शूट रहे हैं। हाँ चलो आप चलो। भाई देखो हमने तो खिंचवा ली फोटो और अब आज तक की फोटो में कुछ खींच लेता हूँ और बाकी सब फोटो खिंचवा के जा चुके हैं। मैं हमारे पहले व्लॉग में देखा होगा देवराज राठी को और देवराज राठी का इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, उससे इसकी पहचान हो जाती है। इसमें निंजा 650 जो है वही यही है, चेहरा मिला लेना बिल्कुल। और हमने फोटो शूट करा लिया। भाई हमारा जो है बहुत कच्ची उम्र में जॉब पे जा चुका था और मुंबई है फिलहाल, ये इंजीनियर साहब है हमारे और कोडिंग के बादशाह है। कभी बॉम्बे आओ तो जरूर आना। हाँ बिल्कुल सही बात है। यहाँ हमारी मामा की श्री की सारी टीम है और देवराज भाई इनके लड़के हैं और ये हमारी भाभी जी है। दरोगा साहब प्रणाम। और हमारी माता जी हमारे पिताजी से नाराज फोटो खिंचाने के ऊपर। और सुनाओ मामा जी। ये हमारी दादी श्री हैं गुजरात से, जो डॉक्टर साहब आपको दिखाए थे, और ये हमारी दीदी हैं और ये हमारे डॉक्टर साहब है भुज गुजरात, जो आपने व्लॉग देखा था आई बटन में लिंक दे दूंगा। और ये हमारी दीदी हैं, उनके बच्चे हैं, इनकी आदत बहुत ज्यादा अच्छी है और दीदी की आदत बहुत जबरदस्त है और भाई साहब भी बहुत जबरदस्त है हमारे। और यहाँ पे दूल्हा दुल्हन खाना खाते हुए, ये बहुत हार्ड मिशन है भाई दूल्हा दुल्हन के लिए, पूरे दिन ऐसे रहना और फिर खाना बस ऐसे खाना की बस पूछो मत। देवू बोलिए। देवू ये हमारी मिलाई हुई है गाइस, ये हमारी मिलाई हुई है गाइस। और भाई ये लेना अच्छा लगता, पटिया चलेगी देखो, सबने रखी है मिलाई। हमारे मामा श्री इनका फोटो कर देते हैं और चलने की तैयारी है हमारी सबकी, तो इनका एक फोटो कराया मैंने। अब ये सोच रहे हैं कि मैं इनका फोटो खींच रहा हूँ, बन रही है इनकी वीडियो। अब पीछे हमारी टीम भी है। फॉलो एंड सब्सक्राइब छोटी दल से बाय 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 टाटा। और ये फ्रेंड सर्कल है ये हमारी भाभी जी हैं टीकरी से और हमारे ये भैया जी हैं हमारे दरोगा साहब हैं हमारे, बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो भाई हम घर चल रहे हैं, फिर मिलेंगे आपको नए ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।